हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल द टेक्निकल गुरुजी। इस चैनल के अंतर्गत हम आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आए तो लाइक करें एंड नई वीडियोज की अपडेट्स के लिए घंटी वाले बटन को प्रेस करें। तो आइए शुरू करें। कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस बार जन्माष्टमी दो दिन मनाई जाएगी। जन्माष्टमी 2 और 3 सितंबर को होगी, लेकिन किस दिन व्रत रखना शुभ होगा यहाँ जानिए। कुछ लोगों ने बताया कि 2 सितंबर को आधी रात तक अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र रहेगा, इसलिए 2 सितंबर को व्रत लेना शास्त्र सम्मत माना जाएगा। 2 सितंबर को अष्टमी तिथि को रात 8:45 से आरम्भ होकर 3 सितंबर को शाम 7:20 तक रहेगी। बता दें कि 2 सितंबर को अर्धरात्रि में अष्टमी के साथ रोहिणी नक्षत्र होने से जयंती योग बन रहा है। रात्रि में पूजन का समय 2 सितंबर की रात्रि 11:58 से 12:43 तक होगा। इस दिन जप अनुष्ठान किए जाने पर सिद्ध हो जाते हैं भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के दौरान उन्हें धन्य की पंजीरी का भोग लगाएं। कारण, रात्रि में त्रितत्व वात पित्त और कफ में वात और कफ के दोषों से बचने के लिए धनिये की पंजीरी का प्रसाद बनाकर ही भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं। धनिये के सेवन से वृत संकल्प भी सुरक्षित रहता है। भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को धरती पर 8वां अवतार लिया था। भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, इसलिए इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी 2 अलग अलग दिनों पर होती है। पहले दिन वाली जन्माष्टमी मंदिरों और ब्राह्मणों के यहाँ मनाई जाती है और दूसरे दिन वाली जन्माष्टमी वैष्णव संप्रदाय के लोग मनाते हैं।